एट लाइफ्स। अभी एक इसमें नया चीज आया कि ये ड्रैगन करता है आपने। सो ऑलराइट गाइस, इट्स बेसिकली अ डे बिफोर यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग गेम। तो यस्टरडे आई प्लेड द गेम एंड केप्ट इट ऑन फॉर द यू नो अपडेशन ऑन द ऑन माय म्यूजिशियन गेमर का यूट्यूब चैनल। लेकिन कल भी जो अपलोड नहीं हुआ, आज भी अभी मैंने गेम खेला और उसको चेक किया और उसके सेटिंग्स में आके देखा तो उसमें जो है कुछ एरर आ रहा था। तो अभी पता चला कि ये जो है नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था। अभी जस्ट मैंने नेटवर्क से कन्फिगर किया है और अभी टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो PS4 चेक कर रहा है। Everything is successful as of now. तो आयशा एरर हुआ, आयशा, लेकिन पहला दिन तो अपलोड हुआ, उसके बाद कैसा कैसा चला गया, whatever it is. Anyways, welcome back to our YouTube channel, guys. I hope you are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. This is 23rd of May 2020. शनिवार है, 11:38 AM हो रहा है and the temperature. Okay, Google. What's the temperature? The current temperature in Mumbai is 33 degrees. Due to the current humidity, it feels like it's 41. So basically what the thing happened, चैंपियनशिप जो होता है उसमें 18 राउंड्स होता है, तो दूसरा और तीसरा राउंड जो है वो छूट गया। मैं अभी ऑलरेडी एक सेशन खेला गेम का, लेकिन बस इंटरनेट को चेक करने के लिए मैं दोबारा गेम खेलने वाला हूँ। चीयर्स। सो ऑलराइट गाइस, वी हैव खिचड़ी, चोखा, अचार, सैलेड, पापड़ एंड कुलचा। चीयर्स। लगभग 2:30 हो रहा है, 2:45 हो रहा है एक्चुअली। आई वॉज वेटिंग फॉर मम्मी श्रेष्ठा और बड़ी दीदी ने जो है वो पहले ही खाना खा लिया। अभी तकरीबन यू नो 3 बजने ही वाला है। आज थोड़ा लेट हो गया वो इसलिए क्योंकि माता जी पूजा कर रहे थे एंड आई वॉज प्लानिंग टू यू नो डू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्लेइंग सुपर मारियो बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट गेम। मैंने देखा उसके लिए कुछ डेटा कार्ड, पता नहीं कार्ड रिकॉर्डर और समथिंग कुछ जो है खरीदना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ खरीदने से अच्छा है कि यू नो मैं अपने इस आईफोन 11 प्रो मैक्स से ही लाइव स्ट्रीम कर लूँगा म्यूजिशियन गेमर वाले चैनल से। ट्राइपॉड को सेटअप कर लूँगा टीवी के वहाँ पर और मैं रिक्लाइनर को थोड़ा नज़दीक लगा के तकरीबन 1-1.5 घंटे, मतलब 6-8 लाइफ रहते हैं उसमें, जब तक भी वो गिव अप नहीं होगा आई कैन यू नो प्ले दैट गेम। हालांकि गेम घूमिए कम कम, हालांकि दैट गेम विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट या 1-1.5 आवर आई कैन डू दैट लाइव स्ट्रीमिंग। सो ऑलराइट, 4:07 PM हो रहा है। अभी जस्ट मैंने निंटेंडो स्विच जो इतने दिन से रखा पड़ा था वो डिस्चार्ज हो गया। इस बार मैं पहली बार जो है मैंने अभी निंटेंडो स्विच को पेयर किया और ऑन किया, इंटरनेट से भी अभी जस्ट कनेक्ट किया एंड बस एक नया अपडेट आया है, वो अपडेट हो रहा है। आई एम प्लानिंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने गेम प्ले को शेयर कर पाऊँ। अब anyway, सोचा है तो होगा ही, मैं जो भी सोचता हूँ ईश्वर कर ही देते हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि हाउ विल दैट बी डन, एक्साइटेड टू सी हाउ विल दैट बी वर्किंग निंटेंडो स्विच। So alright guys, this one is known as Thikwa and this is known as Pirikia. तो ठिकवा एंड पिरकिया, दीज आर हमारा यू नो बिहार में एक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। आई थिंक इधर भी बनता है, महाराष्ट्र वगैरह में लोग गुजिया या कुछ बोलते हैं, चीज जो भी बोलते हैं। एंड इट इज़ गुड टू यू नो मल्टीपल ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल फूड एंड लैंग्वेजेस, सो मच फन यू नो। एंड आई बिलीव कि पूरा इंडिया ही नहीं पूरा विश्व से हम सीख सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। एंड एक दूसरे से सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो पहनावा ओढ़ावा एवं बोलचाल है, उस चीज़ को सबसे पहले हमें सम्मान करना होगा। वट आई हैव बिन यू नो सीइंग
in our culture and also this is also a point of view of many, you know, जो लोग थोड़े छोटे शहर से हैं या ऐसा, वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यू नो कि अरे हमारा ये मतलब लोग क्या बोलेंगे, शहर में तो लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा और अपने संस्कारों से और अपने चीज़ों को जो है मतलब गर्व से प्रेजेंट करना होगा, देन ओनली पीपल विल ऑल्सो अप्रिशिएट इट. आई होप समझने वाले समझ गए हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, थोड़ा पहले ही पर्दा लगा दिया जाता है क्योंकि हीट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है. एंड सुबह से मैं उठने के बाद जो है अपना व्लॉग एडिट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, उसको अपलोड कर दिया, हैशटैग श्रेयस शांडिल्या फोटोग्राफी को पोस्ट कर दिया है. ऑल्सो वही जो अपना जो ड्यूटी रहता है, यू नो बीइंग अ यूट्यूबर, ट्रेंडिंग वीडियोज़ पर कमेंट ताकि यू नो नए नए ऑडियंस से जुड़ पाए. Because I'm not making any advertisement as such, बस genuine work और effort के through जो है channel grow हो रहा है. I'm so thankful to more than 740 plus people, those who have felt like, you know, subscribing the channel. I'm like thankful to you till I die. And yes, I'll be keep trying, you know, being genuine, genuinely, you know, posting videos. एंड जस्ट मेकिंग द व्लॉग जो जो हमारे ज़िंदगी में सच में चल रहा है. जस्ट खाना खाया, यू नो, तो आज एक्चुअली दाल की चटनी बनी थी. चटनी के साथ चावल जो है उसका आनंद ही कुछ अलग है. हमारे तरफ एक कुर्थी दाल की भी चटनी होती है. तो आज तो हालांकि अरहर या पता नहीं, याद नहीं है, कोई और भी दाल का चटनी था. तो आई लव दैट थिंग अ लॉट. तो खाना खाया, थोड़ा वॉक कर रहा था एंड गाना सुन रहा था. दर्शन रावल का मैंने एक इंक्वायरी आया अभी उत्तराखंड से, उनको कुछ म्यूज़िक बनाने हैं तो उनसे भी बातचीत हुई. एंड बस सोचा कि ब्लॉग बिगिन कर लें क्योंकि मम्मी ने अभी जस्ट हमें चिपका भी रखा दिया. एंड वो जो वटसावित्री के दिन आपने देखा था वो सारा चीज़, उसमें पान भी रिक्वायर्ड होता है और पान जो है यहाँ पर बैन कर दिया गया है. मतलब पान सुपारी है वो दिस दैट, ये एक चीज़ बताना था आपको. यहाँ पर तो बैन था लेकिन फिर भी कैसे कैसे पता नहीं श्रेष्ठ आया, कोई लोग मैनेज करके लाए होंगे, आई डोंट नो. अभी मम्मी पान खा रहे थे तो मैंने भी मांगा, बट दैट पान वाज नॉट मीठा पान. तो बस हमें मम्मी ने जो है ठीक होते रखे. दिस इज हाउ द ब्लॉग बिगिन. अभी जो है हमें गेम खेलना है और सब प्लानिंग की निंटेंडो स्विच का रिकॉर्डिंग करें और उसको भी अपलोड करें. देखते हैं कैसे क्या होता है. चीयर्स. सो आई जस्ट गॉट कम्प्लीटेड विद द गेम. अब अभी अपलोड हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट लगेगा इसको अपलोड होने में. उसके बाद आई विल बी प्लेइंग अपना सुपर मारियो. कल भी मैंने खेला, अभी थोड़ी देर बाद मैंने वॉक भी किया था तकरीबन 2000 स्टेप्स. बात यह है कि खा के ना पेट जो है ना नॉट सो गुड, बट जिसको हम नॉट सो गुड सोचते हैं वो भी एक्चुअली गुड ही होता है क्योंकि जो भी होता है वो ईश्वर के मर्जी के तहत ही होता है. ईश्वर चाह रहे हैं हम उसमें हम क्या कर सकते. आई बिगिन विद अपना ये प्लेइंग सुपर मारियो. उसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं ट्राईपॉड ही लगा लेता हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर आइडिया. एट लाइफ्स. अभी एक इसमें नया चीज़ आया, ये ड्राइविंग करते वक्त आप मतलब बाय. सो गाइस, प्लेइंग द गेम सुपर मारियो एज वेल. एंड मैंने उसका गेम प्ले जो अपने म्यूजिशियन गेमर 21 पे शेयर भी किया, आप उसको देख भी लीजिए. उसके ऑडियो में कुछ अभी भी, हालांकि एक डिवाइस आ जाएगा फिर तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें यू नो अभी फिलहाल लॉकडाउन वगैरह है एंड जब जो चीज़ अवेलेबल है उसी के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को करने का. एंड मुझे काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्टिंग है. आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय इट. अब मैं सुपर मारियो गेम भी रोज़ खेलूँगा. तो इन शॉर्ट गेमिंग का टाइम तकरीबन अब आधे एक घंटे जैसा हो गया. एंड दिस इज अ साबुदाना का केक आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल. चीयर्स. दाल दाल रोटी बोल रहा हूँ. दिस इज नॉन एज दल रोटी बोलते हैं ना, दल पूरी.
This can be puri. Okay, whatever. This is filled with dal. Okay. So, all right, guys, this is 1st of June, Monday it is, and the temperature is 32 degrees Celsius. समय हो रहा है 15:32 यानी 3:32 PM हो रहा है. एंड हमें जो है जीजा जी ने हजमोला दिया है कोला फ्लोर का जूस. स्टाइल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसका एक्सप्रेशन देखा. सो यस, गेमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. किसी को अगर मुझे अपना पहचान देना है तो मैं डेफिनेटली ये पहचान दूंगा और मैं देता भी हूँ कि आई एम अ म्यूजिशियन. सबसे पहले क्योंकि म्यूज़िक के वजह से ही हमारे ज़िंदगी का वजूद है, मेरा वजूद है. आई एम नथिंग विदाउट म्यूज़िक. और म्यूज़िक के बाद इट्स यू नो द थिंग्स विच आई लाइक. आई नो यू गाइज नो इट. कार्स एंड बाइक्स, मतलब ड्राइविंग, ट्रैवलिंग, राइडिंग, ट्रैवलिंग, देन coming to game, then photography, and then gadgets. So these are I just love this thing. And why gaming is a very important part of my life, and why I play games daily. क्योंकि game खेलने से आपके अंदर जो है एक चीज़ definitely समझ में आपको आता है कि सी, आप कोई भी game खेलो, अगर आप Candy Crush भी खेलते हो, पापा यू हैव प्लेड इट अलॉट, और आप काफ़ी ज़्यादा सीनियर हो गए कैंडी क्रश में, पता नहीं कितना 5000 लेवल में है पापा, आई डोंट नो. तो आपको गेम से ये चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि अनटिल एंड अनलेस यू गिव इनपुट देयर वॉन्ट बी एनी आउटपुट. तो जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे आप गेम में ग्रो नहीं हो सकते. सो गेम ऑल्सो मोटिवेट्स यू टू लिव लाइफ एंड मेक योर सेल्फ यू नो परफेक्ट. और वो आपको पेशेंस भी सिखाता है, क्योंकि आप गेम में जब आपका गेम ओवर होता है देन यू कांट डू एनीथिंग. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि यू आर नॉट केपेबल टुडे. सो दिस इज़ व्हाट आई से ऑल्सो कि कीप वर्किंग. इफ यू आर नॉट केपेबल, कीप ट्राइंग. और जिस दिन आप केपेबल होंगे आपका लेवल ज़रूर क्लियर होगा. और ये उसको आप ज़िंदगी से भी जोड़ सकते हैं. किसी चीज़ में अगर आप फेल हो रहे हैं आज आप अपने ज़िंदगी में तो समझ लो कि आज के दिन के लिए आपका गेम ओवर रहा है, कल आपको फिर से रीट्राई करना. आई होप यू गॉट माई मैसेज गाइस. एंड जितने लोगों को समझ में आया ये बात, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो कि हाउ गेम एंड लिविंग लाइफ यू नो मोटिवेट्स यू विथ पेशेंस एंड विथ कंसिस्टेंसी. और जैसे मैं गेम को कुछ दिन तक रोक देता हूँ तो मोटो जीपी में भी मेरा रैंक पीछे होने लगा. तो जब आप चीज़ों को छोड़ देते हैं तो इट्स बेसिकली आर्ट. किसी भी तरह का आर्ट का वैल्यू तभी है जब आप उसका प्रैक्टिस करते हैं. अगर आप उसका प्रैक्टिस छोड़ दिए तो समझ लो वो कला भी चला गया. अगर आप कोई गेम खेलते हो, चाहे वो फिज़िकल गेम हो, क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो, कोई भी चीज़ हो, आप उस चीज़ को अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तभी यू रिमेन यू नो एट दैट लेवल जिसको कि आप कह सकते हो कि यस यू आर अ गेमर और यस यू आर अ परफॉर्मर और वट एवर इट इज़. सो आर्ट वैसा ही चीज़ है और नॉलेज भी वैसा ही चीज़ है. आप जब तक उसको रिवाइज करते रहेंगे तभी तक वो हेड में रहेगा, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक वाटर इन योर हैंड, यू नो इट कीप्स फ्लोइंग अवे. सो बेटर कलेक्ट इट एज मच एज यू कैन बिफोर यू डाई. सो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस. Ignore negativity, accept positivity, be thankful to Almighty for whatever you have in your life. Have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself कि जो कुछ भी आपका आपका जिंदगी में चाहे कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं या सियानो. अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो चाहे आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं. और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आप सच में डिजर्विंग है. कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल शो यू योर एक्जिस्टेंस एंड इट विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू वर्क मोर हार्ड. तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क आउट लाइक एन टर्न इनटू द डिजर्विंग पर्सन. ट्रस्ट मी द डे विल टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन. गॉड विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. तो बस हमें जो खुद को योग्य बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए जितना हो सके, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए, एंड जितना हो सके लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, लोगों को मदद कीजिए. एंड ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, ट्रस्ट मी. अपने सारे विकारों को दूर कर दो. एज आई सेड, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद एनीवन. स्टॉप थिंकिंग योर सेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा आदमी या दुनिया का सबसे छोटा आदमी. बी इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड व्हाट आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड नास्टिक शेयर्स एंड द लाइफ. टाटा.
humor life. That is not bad. Oh my god. Because you said, you haven't checked it out.